हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू डीएनए द हिंदू शो. सो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर विपिन गोयल. सो हमारा जो हिंदू शो है, मेक माई एग्ज़ाम प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय मी डॉक्टर विपिन गोयल. सो हमारा आज हम बिना किसी चीज़ को डिस्कस किए हम अपनी फर्स्ट स्लाइड ही डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं 5 मिनट. सो डिस्कस करेंगे हम पहली न्यूज़ से ही. सो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, राजस्थान असेंबली बिकम्स द फर्स्ट इन इंडिया टू कॉल अटेंशन एंड एडजर्नमेंट मोशन ऑनलाइन. सो राजस्थान जो गवर्नमेंट है हमारी, वो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी है जिसने ऑनलाइन कॉल अटेंशन मोशन एंड एडजर्नमेंट मोशन के लिए बात करी है. सो आपको पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉल अटेंशन मोशन एंड व्हाट इज द एडजर्नमेंट मोशन, दोनों में डिफरेंस क्या है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका पॉलिटी रिलेटेड पॉइंट बन जाएगा और आपसे ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉल अटेंशन मोशन एंड द एडजर्नमेंट मोशन. So, जो कॉल अटेंशन मोशन होता है, ये आपका किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकता है, एनी ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकता है और राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकता है. और एडजर्नमेंट मोशन जो होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा में ही स्टार्ट हो सकता है. और जो कॉल अटेंशन मोशन है, ये आपका किसी पब्लिक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस बिल के लिए स्टार्ट हो सकती है बात. और अगेन एडजर्नमेंट मोशन भी सेम है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, बट एडजर्नमेंट मोशन वो है जिसके अंदर कुछ ना कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे किसी ना किसी चीज के, क्लियर. और ये जो है आपका एडजर्नमेंट मोशन जो है सेंसर मोशन, यानी कि हमारा गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई पॉलिसी के रिलेटेड कोई बात हो तो उसके अगेंस्ट स्टार्ट किया जाता है एडजर्नमेंट मोशन. बट जो आपका कॉल अटेंशन मोशन है आपका, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए स्टार्ट किया जाता है. और ये जो है आपका जो है किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकता है. सो मैं रिपीट यहां पे दोबारा से करूंगा, कॉल अटेंशन मोशन जो है किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है और अर्जेंट मोशन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में स्टार्ट होगा. और कॉल अटेंशन मोशन आपका पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है, लेकिन जो आपका अर्जेंट मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस हो लेकिन उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो और साथ के साथ वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेंसर स्टार्ट करने के लिए, यानी कि सेंसर मोशन भी होता है जिसके अंदर अगर वो चीज पास हो जाती है तो गवर्नमेंट को रिजाइन भी करना पड़ता है, क्लियर. सो ये चीज आपकी ये चीज है एट द एंड जो है हमारा कॉल अटेंशन मोशन एंड अर्जेंटमेंट मोशन. और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन स्टार्ट किया है और राजस्थान असेंबली स्पीकर कौन है, कैलाश मेघवाल, क्लियर. सो ओके अमरजीत गुड मॉर्निंग, हरिशंकर गुड मॉर्निंग, आईयूपीएस क्लर्क का एसटी डाल दो प्लीज सर. सो ओके अमरजीत, वी विल ट्राई कि आपका जो भी जैसे हमारी क्लासेस स्टार्ट तो हो चुकी हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, एंड साथ के साथ जो है आपको करंट अफेयर का सेशन जो है वो मैं अभी से हमारा जो एक मंथ हो गया है स्टार्ट किए हुए को, तो आप वहां से रीड कर सकते हैं. अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को हमारी कोई हमसे कोई हेल्प चाहिए होगी या फिर हमें जो लास्ट हमारे करंट अफेयर्स हैं वो हम बिल्कुल हेल्प करेंगे उसकी. सो आप जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपको तो प्लीज़ बेझिझक आप अपना कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियर. सो हमें मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट की जो सीएम है, राजस्थान स्टेट के सीएम है वो कौन है, गवर्नर कौन है, ये आपका क्वेश्चन है. और अदरवाइज मैं आपको दो चार चीजें और भी बताऊंगा एडिशनल कि राजस्थान गवर्नमेंट में क्या क्या, राजस्थान स्टेट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. सो फ्रेंड्स बताइए कि जो राजस्थान के गवर्नर और राजस्थान के सीएम कौन है. सो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. सो के रिभा वत्सला गौर, परी गुप्ता, वसीम आलम, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो वेलकम टू द डीएनए द हिंदू शो. सो मुझे एक क्वेश्चन बताइए, हमारी फर्स्ट न्यूज़ हो चुकी है, राजस्थान गवर्नर कौन है और सीएम कौन है. ओके जो इनका हरिशंकर जी का आंसर आ चुका है, राजस्थान सीएम वसुंधरा राजे, इट्स नॉट ओके, सीएम इज वसुंधरा राजे, ओके. एंड व्हाट इज द गवर्नर, गवर्नर कौन है, हरिशंकर. एंड और अदरवाइज बाकी लोग भी बता सकते हैं, ईशु यादव, वसुंधरा राजे, यस यू आर राइट, बट गवर्नर कौन है हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के.
ओके सो हमारा इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट स्लाइड में है. सो जो गवर्नर है डेट इज कल्याण सिंह एंड सीएम है हमारे वसुंधरा राजे. क्लियर. सो ये आपको चीज याद रखनी है क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट के लिए बात हुई है. ऑनलाइन उन्होंने कॉल अटेंशन मोशन एंड अर्जेंट वन मोशन स्टार्ट किया है. सो इसमें आपको दो दो तीन चीजें बात और भी बतानी चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कौन सा टेम्पल है. लाइक जैसे टेम्पल की बात करी जाए तो दिलवाड़ा टेम्पल है, लेक की बात करी जाए तो सांभर लेक है यहाँ पे. तो अगर नेशनल पार्क की बात करी जाए तो यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क और केओलादेओ नेशनल पार्क है. और अगर टाइगर रिजर्व की बात करी जाए तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है यहाँ पे. क्लियर. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करी जाए तो कुंभलगढ़ आपकी वाइल्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे. तो ये आपकी एडिशनल नॉलेज है. तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अच्छा ये बताओ, क्योंकि गवर्नमेंट का नाम जब भी आता है तो आपको ये चीजें थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए. क्लियर. सो सभी के आंसर सही आ रहे हैं. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आप इस चीज से जुड़े रहिए. अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो उसका आंसर भी बताते रहना. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी. इस्थर स्ट्रॉबेली विकेम फर्स्ट फीमेल रेफरी टू ऑफिशिएट ए मैच एट द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप. सो ये जो एसर स्ट्रॉबेली हैं ये जो स्विट्जरलैंड से हैं, इन्होंने जो मैच के अंदर जापान और कैलिडोनिया के अंदर जो हमारा कोलकाता में हुआ था, सॉल्ट लेक स्टेडियम के बीच में हुआ, सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ था ये मैच, तो उसमें इन्होंने फर्स्ट फीमेल जो रेफरी बनी थी. और हमारे जो वर्ल्ड कप में अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप में हमारी कितनी लेडीज को रेफर लेडीज रेफरीज को बुलाया गया था, वुमेन रेफरी को बुलाया गया था, 7 रेफरीज को बुलाया गया था, जिसके अंदर पहली जो थी स्ट्रॉबेली थी जो आपकी साथ जो आपके स्विट्जरलैंड से हैं. और इन्होंने कौन से मैच के मैच में जो है अपना रेफरी की भूमिका निभाई थी, जापान एंड न्यू कैलिडोनिया जो मैच हुआ था आपका कोलकाता में. क्लियर. सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. बाकी जो चीज़ है 7 लेडीज के नाम, विमेन्स के नाम लिखे हुए हैं, एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना. बट एस एस स्ट्रॉबली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम. क्लियर. सो मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि जो आपका अंडर 17 वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हो रहा है और इसमें कितनी टीम्स आ रही हैं, इनका फाइनल मैच कौन सा होगा और ऐसी कौन सी टीम है जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई है. सो फ्रेंड्स, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. हमारा जो फीफा वर्ल्ड कप है ये हुआ कहाँ पे है, कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है और फाइनल मैच कहाँ पे होने वाला है और ऐसी कौन सी टीम है जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई है, लेकिन ऑलरेडी वो जो है आपकी अंडर 17 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम भी थी पहले. तो फटाफट आप बताइए मुझे इसका आंसर. सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. इसके रिगार्डिंग अरावली माउंटेन्स आर ऑल्सो देयर इन द विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन हाइएस्ट पीक इज. येस इशू, यू आर राइट. बट ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है. सो इशू यादव इंडिया. ओके 24 टीम्स. ओके और बाकी भी आंसर दीजिए, बाकी भी पार्टिसिपेट कीजिए इसमें. सो हम इसका आंसर बताते हैं आपको. इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है. जो आपका वर्ल्ड कप है वो 6 अक्टूबर से 28 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होने वाला है. और ये जो मैच है आपके इंडिया में हो रहे हैं और फाइनल मैच जो है आपका सॉल्ट लेक स्टेडियम में ही होगा, जो आपका कोलकाता कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में है. और टोटल टीम्स कितनी पार्टिसिपेट की हैं इनमें, 24. एंड नाइजीरिया इज द ओनली कंट्री जो आपका 2009 में जीती थी और अभी तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई है आपके अंडर 17 वर्ल्ड कप में. क्लियर. सभी के आंसर सही आ रहे हैं. ओके वेरी गुड वेरी गुड. सो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है. नेक्स्ट स्लाइड है. ग्रेजुएट मुस्लिम गर्ल्स टू गेट ₹51,000 शादी शगुन फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट. सो जो मोदी गवर्नमेंट ने 51,000 रुपीज देने के लिए प्रॉमिस किया है, ये बात है क्या चीज, ये माइनॉरिटीज को स्टेटस अप करने के लिए, नॉट स्टेटस अप करने के लिए, ये है कि उनकी एजुकेशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ऐसे ना हो कि वो अपने आप को अलग समय समझे. सीधी सी बात है, हमारे इंडिया में द मेजोरिटी ग्रुप इज हिंदू, बट जो माइनॉरिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनॉरिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, जो माइनॉरिटी होता है इसका मतलब होता है कि जिसकी जो पॉपुलेशन है हमारी
कम हो हमारे, लाइक फॉर एग्जांपल इन इंडिया जो हमारी बहुत सारी माइनॉरिटीज हैं, वो भी मुझे आपने क्वेश्चन बताना है. सो माइनॉरिटीज को अप करने के लिए, जाने की कहने का मतलब उनका स्टेटस अप करने के लिए, एजुकेशन चीज को ऊपर बढ़ाने के लिए ये जो चीज स्कीम है इन्होंने स्टार्ट करी है मोदी गवर्नमेंट ने, 51,000 शादी शगुन स्कीम फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट. क्लियर? सो आप मुझे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बताइए कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं इंडिया में कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, और साथ के साथ जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है हमारे. सो फ्रेंड्स फटाफट आपका आंसर आना चाहिए मुझे, ये जो माइनॉरिटीज हैं वो कौन है और साथ के साथ हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है. सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. सो बताइए फटाफट फ्रेंड्स हमारे माइनॉरिटीज कौन कौन सी हैं और माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर कौन कौन से हैं, कौन है हमारे. ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए. मुख्तार अब्बास. सिक्स. ओके, सो बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के. संदीप भट्टी, मैं आपके क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. बट जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल हमारा गिवन होता है, आपको जो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जो आपको कोई भी हमारा जो भी वीडियो है तभी के तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी पीडीएफ लिंक है वहां पर आपको सारा का सारा मिल जाएगा, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी चीजें गिवन होती हैं. ओके, सही आंसर आप बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है. सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, माइनॉरिटीज हमारी कौन कौन सी हैं. मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनिज्म एंड प्रेस्टोरियंस, जिसे हम पार्ट भी कहते हैं. क्लियर? जो ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट में गिवन है. बट कुछ पॉपुलेशन है जो हमारी ज्यूज की, JEWS ज्यूज की पॉपुलेशन है, कुछ हमारी माइनॉरिटी स्टेटस में है वो भी, और ये सारी के सारी हमारे जो ज्यूज की पॉपुलेशन है वो हमारी मुंबई में, महाराष्ट्र में भी मिली है. तो मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर्स है कब स्टार्ट किया गया था, 2006 में. क्लियर? और इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर कौन है, बिल्कुल सही आंसर सभी के आ रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी. क्लियर? सो नेक्स्ट स्लाइड इज द फॉर्मर फ्रेंच कल्चर मिनिस्टर ऑटे ऑजोले इलेक्टेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को. देखिए यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड चीज अगर याद करी जाए तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑजोले इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को. क्लियर? सो ये जो यूनेस्को के जो है आपके यूनेस्को के कल्चर मिनिस्टर, सॉरी फ्रेंच के कल्चर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ही डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को बने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आपके लिए है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं. सो फ्रेंड्स आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं और यूनेस्को की फुल फॉर्म भी बताइए आप मुझे. Who is their God? So, Hishu, I am not getting your question. Okay, so next है हमारा okay. यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है और इसके हेडक्वार्टर जो हैं हमारे आपके हैं फ्रांस पेरिस में, और जिनके टोटल मेंबरशिप कितनी है, 195 स्टेट्स हैं हमारी. इसका नेक्स्ट स्लाइड में इसका गिवन है, सो दिखा दीजिए एक बार. और जो हमारे यूनेस्को बना कब था, 16 नवंबर 1945 को, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. ठीक है मोहम्मद तौहीद सर, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में हिंदू भी तो माइनॉरिटी हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए कि हमारे जो माइनॉरिटी स्टेटस है हम ऑल ओवर इंडिया में बताते हैं, नॉट इन ए पर्टिकुलर स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए. क्लियर? सो इस चीज को आपको याद होना चाहिए.
जो माइनॉरिटी स्टेटस है हम देते हैं इंडिया वाइज, नॉट ए स्टेट वाइज. यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटस देती है आपको कि माइनॉरिटी कौन है कौन नहीं है, ठीक है. अदरवाइज अगर हम देखा जाए तो मुस्लिम्स बहुत सारे काफ़ी ऐसे यूपी वगैरह एरिया है हमारा, ठीक है. पंजाब में सिख हैं, पंजाब में ऑब्वियसली बात है 60 to 70% इज द पंजाबी पीपल एंड जो है आपके सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिख ओरिजिन है उनका. लेकिन बट ऑल ओवर इंडिया में अगर वो देखा जाए तो वो माइनॉरिटी स्टेटस में, क्योंकि 1.45% के अराउंड जो है सिख पॉपुलेशन है हमारी इंडिया में, तो इसी कारण उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया है. तो ध्यान रखना ये फ्रेंड्स कि हम माइनॉरिटी स्टेटस कंट्री वाइज देते हैं, नॉट स्टेट वाइज. क्लियर. सो नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है, इंडिया प्रपोज टू ऑपरेट ए श्रीलंकन एयरपोर्ट नियर दंबनतोता सी पोर्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी पोर्ट के अराउंड जो है हमारा, हम पूरे इंटरेस्टेड हैं वहां पे एयरपोर्ट में पैसा लगाने के लिए. वो एयरपोर्ट कौन सा है आपका? मताला एयरपोर्ट. ये रीजन क्या है? क्योंकि आपको मैंने बहुत पहले भी बताया हुआ है कि जो चाइना है वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव लेके चला हुआ है, जिसके कारण वो इंडिया को भी कवर कर रहा है. फॉरेन पॉलिसी है उनकी, क्लियर. तो कहने का मतलब इंडिया इसको काउंटर करने के लिए जो हंबनतोता के साथ जो एयरपोर्ट है मताला एयरपोर्ट, वहां पे ये इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्ट हुआ है ये काम. तो इंडिया इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन देयर, क्लियर. सो कि वहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करे. और सीधी सी बात है, हमारी भी फॉरेन पॉलिसी है चाइना को काउंटर करने के लिए. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हंबनतोता एयरपोर्ट कहां पे है, और सी पोर्ट, सॉरी हंबनतोता सी पोर्ट कहां पे है आपका? श्रीलंका में, क्लियर. और वहां पे इन्वेस्ट कौन कर रहा है? चाइना. और इसको काउंटर करने के लिए, इस चीज को थोड़ा सा हम भी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम मताला एयरपोर्ट में पैसे लगा रहे हैं वहां पे श्रीलंका में, क्लियर. सो नेक्स्ट इज एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन बताइए, श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि श्रीलंका के ऊपर बात हुई है तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा जा सकता है. सो मैं इसको बिना रुके तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाऊंगा. श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं डेट इज मैथेरी पेला सिरिसेना. तो ध्यान रखना, इट्स मैथेरी पाला सिरिसेना. एंड प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? रानिल विक्रमे सिंघे. सो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बट मैंने बता दिया तो इतना, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका की बात हो रही है तो मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्लियर. सो नेक्स्ट इज द काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझसे काफी लोग पूछ रहे हैं कि जो हमारा लेक्चर है वो कितने बजे स्टार्ट होता है. सो फ्रेंड्स, हमारा जो लेक्चर है ये 8 बजे ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा हम 5-7 मिनट हम लेट हो गए थे. तो कोई बात नहीं, अगर हम भी कई बार आपकी वेट करते हैं कि आप भी कमेंट कीजिए किसी चीज़ का, मैं भी आपके क्वेश्चन का वेट करता हूँ. जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ कि आप आंसर दीजिए. सो अगेन जो चीज़ है थोड़ी सी, मतलब हमारा जो टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है वो हमारा 8 बजे का टाइम है. तो जो भी शेड्यूल है आपको टेलीग्राम ग्रुप से और हमारी यूट्यूब के मेक माई एग्जाम चैनल से, जो भी आपका होम स्क्रीन है हमारी, वहां से आपको मिल जाता है. तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक जो वगैरह सारा कुछ वहां से आपको मिल जाएगा. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्लियर. सो नेक्स्ट इज ओके परी, मैं इस चीज को ध्यान रखूंगा. थोड़ा सा मैं लाउडली बोलता हूँ. इंडियन एयरफोर्स हैज लॉन्च्ड एन इनोवेटिव मोबाइल हेल्थ ऐप नेम्ड मेड वॉच. सो मेड वॉच जो है इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च करी है. सो जो ये ऐप है ये क्यों लॉन्च करी गई है? 85th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ने जब हुआ था हमारा, तब करी गई थी. 1932 में हमारी इंडियन एयरफोर्स का गठन हुआ था, मतलब हमारी फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे. और मेड वॉच क्यों लॉन्च करी गई है? द रीजन इज द कि हम, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये बात हो रखी है. और साथ के साथ जितने भी हमारे आर्मी के फोर्सेज हैं, जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं हमारी, साथ के साथ उनकी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है. तो चीज इन्होंने लॉन्च करी है. हमारे जो एयर मार्शल है, चीफ मार्शल कौन है? बीएस धनोआ जी. सो ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो उन्होंने ही ये लॉन्च करी है मेड वॉच, क्लियर. सो नेक्स्ट इज द पहले मुझे क्वेश्चन बताइए, हेल्थ कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हेल्थ मिनिस्टर कौन है?
सो फ्रेंड्स आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन है? मैंने बहुत बार आपको बताया है हेल्थ इश्यू हमारे इंडिया में हैं और हेल्थ के लिए कोई ना कोई बात होती रहती है. सो हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? सो फटाफट फ्रेंड्स आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. सो हेल्थ मिनिस्टर हमारे नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर गिवन है जेपी नड्डा जी. जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं. सो ये ध्यान रखना चाहिए आपको, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. क्लियर? सो नेक्स्ट इज द कोलकाता टू होस्ट इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल फ्रॉम द अक्टूबर 26. ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. सो कोलकाता ने पपेट जो फेस्टिवल है इसको लॉन्च किया गया है, जो जिसमें आपके वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी. और ये जो है आपके भट्टाचार्य जी द्वारा, यानी कि टूरिज्म एंड होम अफेयर्स वेस्ट बंगाल के जो हैं उनको, उनके द्वारा ये सेक्रेटरी जो भी हैं उनके सेक्रेटरी आपके आपके टूरिज्म एंड होम अफेयर सेक्रेटरी हैं वो, जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया है भट्टाचार्य जी द्वारा. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. बट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी बात करी गई है. ये क्योंकि आपको देखिए पपेट के भी सीधी सी बात है, मैंने भी बहुत देखा है. डीडी आता होता था ये पहले शो, मैं स्कूल जाता था तो उस टाइम पे भी ये 7 बजे 8 बजे शो आता था. तो ये सीधी सी बात है, बहुत अच्छा लगता है कि हमें पता लगता है कि इनमें भी जो है इमोशंस जुड़े हुए होते हैं. नो डाउट इनको चलाने के लिए कोई पर्सन है, लेकिन अदरवाइज अगर इनको देखा जाए तो ये भी बहुत सारी चीजें बताते हैं, इमोशंस के साथ जुड़े होती हैं ये चीजें. तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए इस चीज को. तो साथ के साथ ये चीज भी है कि जो पपेट है, पपेट फेस्टिवल से क्या होगा, हमारे इंटरनेशनल जो इंडिया का टूरिज्म भी बढ़ेगा. क्लियर? सो ये इस चीज के लिए बात करी गई है. और ये कहां पे स्टार्ट हो रहा है आपका? कोलकाता वेस्ट बंगाल में. और एक्चुअली द प्लेस इज द लास्ट वर्ड, मोहरकुंज इज द एग्जैक्ट प्लेस. क्लियर? सो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इज कि मुझे अगेन हमारी टेक्निकल टीम ने आंसर दिखा दिया है, कोई बात नहीं. बट आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्टर जो हमारे टूरिज्म के मिनिस्टर जो हैं वो कौन है, दैट इज द अल्फोंस कर्नाथनम. क्लियर? सो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिस्टर है हमारे टूरिज्म के वो ये हैं अल्फोंस कर्नाथनम. क्लियर? सर देखिए टेक्निकल टीम, देखिए कोई वॉइस प्रॉब्लम तो रही, मुझे मैसेज आ रहे हैं. ओके, मेरी साइड से वॉइस क्लियर है, आप एक बार दोबारा से चेक कीजिए. अगर किसी स्टूडेंट को और भी वॉइस प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट कीजिए, अदरवाइज मैं इसको स्टार्ट करूँ, आगे कंटिन्यू करूँ इसको. किसी को ही कोई प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की? ओनली परी कह रही हैं कि मुझे वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज़ नहीं सुन रही. और भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? येस और नो? तो हम स्टार्ट करें आगे. अगर हम स्टार्ट करें तो प्लीज कमेंट कीजिए यस, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूं इसको. आपको आवाज आ रही है सभी को? सर इट्स ओके वॉइस. ओके, थैंक यू एवरीवन. सो सर वॉइस डिस्ट्रैक्ट हो रही है? नहीं सर, नो. सो बीच बीच में, सो टेक्निकल टीम प्लीज चेक कीजिए ये अगर कोई प्रॉब्लम है. आई थिंक हमारी साइड से ओके है. ओके, सो अगर यहाँ ओके स्टार्ट सर, थैंक यू सो मच. सो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं. सो यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल क्विट्स द यूनाइटेड नेशन कल्चर एजेंसी यूनेस्को. अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का नाम, तो यूनेस्को में दोबारा से जो हमारी दो कंट्रीज हैं यहाँ से क्विट कर गई हैं द एंटी इसराइल बायस के कारण. वो दो स्टेट कौन कौन सी हैं आपकी? यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल. सो आपको ये पता होना चाहिए जस्ट क्योंकि आपके एग्जाम लेवल के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको इश्यू इतना नहीं जानना है. सो यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल वॉज अ कंट्रीज जो वहां से क्विट कर चुकी हैं यूनेस्को से. क्लियर? सो आपके लिए एक क्वेश्चन अगेन दोबारा से यही है, जो यूनेस्को के हेड कौन है? वो डायरेक्टर जनरल का नाम याद किया था. सो यूनेस्को के हेड का नाम बताइए. यूनेस्को के हेडक्वार्टर तो हमने याद कर लिए हैं, जो हमारा पेरिस पेरिस में है. और मुझे एक चीज बतानी है आपने, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, इसराइल की कैपिटल और इसराइल की करेंसी का नाम क्या है? सो ओके, यूएसए एंड इसराइल. सो
सो फ्रेंड्स मुझे बताइए यूनेस्को के हेड का नाम क्या है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। टेक्निकल टीम एक हमारे नेक्स्ट स्लाइड कर दी जाए जो यूनेस्को वाली है। हाँ यही बिल्कुल। सो यूनेस्को एंड इसराइल ने कल्चर जो हमारी यूनाइटेड नेशन कल्चर एजेंसी से क्विट कर लिया है। सो अगेन वॉइस प्रॉब्लम बहुत लोगों की बात आ रही है, कोई देख लीजिए एक बार दोबारा से वॉइस प्रॉब्लम बार बार। कट कट बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। एक बार चेक कीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एवरीथिंग गोज ओके ओके। जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे यूनेस्को के जो हेड हैं और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, कैपिटल और करेंसी क्या है। सो नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर गिवन है। यूनेस्को के हेड जो हैं डेट इज इरीना बुकोवा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का नाम यूज किया था क्योंकि उनको अपॉइंट किया गया है जो फ्रेंच कल्चर मिनिस्टर थे। जो आपके यूनेस्को के हेड एंड दैट इज इरीना बुकोवा, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम बेंजामिन नेतान्यू। ये आपको पता होना चाहिए। और जो आपकी इसराइल की कैपिटल है दैट इज जेरूसलम, एंड करेंसी क्या है शेकेल। जो आपकी इसराइल न्यू शेकेल इज द करेंसी ऑफ इसराइल। क्योंकि मैंने ये जानबूझ के पूछा है क्योंकि इन्होंने यूएस तो हमें पता ही है, यूएस के बारे में हमें सब चीजें पता है, एंड साथ के साथ इसराइल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, पेपर में आ सकता है आपसे क्वेश्चन। क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड इज सेफ सिटीज इंडेक्स 2017 डिनोट्स टोक्यो सेफेस्ट एंड दिल्ली रैंक 43rd पोजिशन। क्लियर। सो सेफेस्ट कंट्री कहने का मतलब, सेफेस्ट के मतलब में मतलब बात क्या कर रहा है, हेल्थ के ऊपर बात कर रहा है, पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहा है, उनकी जो भी क्राइम के लिए बात कर रहा है, सारी की सारी जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए बात होती है उनके ऊपर बात कर रहा है। तो टोक्यो जो है हमारी वो सबसे सेफेस्ट स्टेट बनी है, या सेफेस्ट आप प्लेस कह सकते हो। और उसके बाद जो हमारी 43rd नंबर पे हमारी क्या है दिल्ली, और 45th नंबर पे क्या है हमारी मुंबई स्टेट। क्लियर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड होगी, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो गिवन है दैट इज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया का रैंक जो है आपका 119 कंट्रीज में से 100 रैंक हो चुका है, जो हमारा 97 था 2016 में। क्लियर। सीधी सी बात है, इट मींस क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, ट्रांसपेरेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में, और सारी की सारी जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी प्रॉब्लम्स हैं। ये चीज दिखा रही है कि हमारी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर। पहले हमारा रैंक 97 था, अब हमारा रैंक जो है 100 हो चुका है अमंग द 119 कंट्रीज। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर। जो हमारे जो ये हमारा ग्लोबल हंडर इंडेक्स है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा जो तैयार होता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इस चीज को जो है आपका स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इसका आंसर गिवन है। जो डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार होता है, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां कहां पे हैं, वॉशिंगटन डीसी, और डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है शेनगिन फैन। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। पहले 2016 में हमारा 97 रैंक था और अब हमारा 100 रैंक हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में हमें दिक्कत हो रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नो डाउट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, डिजिटली लेके आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उस चीज को हम जल्दी से जल्दी सर्च करेंगे तभी हमारा जो है कंट्री आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज आप एक चीज देखिए, 75 ईयर्स हो चुके हैं अप्रॉक्स, हमारे ज्यादा ही हो चुके हैं, 75 ईयर हो चुके हैं हमारे आजादी को। हम बहुत आगे मतलब इतना साल हो गए, 70-75 साल हमारे आजादी को हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम हंगर के शिकार हैं, मतलब भूख के शिकार हैं। कहने का मतलब ये है अभी भी हमारा जो कोई पर्सन है यहाँ पे भरपेट खाना खा नहीं रहा, और हमारा जो रैंक है 119 कंट्री में हम 100 रैंक पे हैं। अदरवाइज इंडिया सुपर पावर कहती है अपने आप को, लेकिन हम खाना तक नहीं पहुंचा पा रहे लोगों को। इट मीन्स हमारी कहीं ना कहीं पॉलिसीज में प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर। अगर
चीजों को, पॉलिसीज को अगर हम ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो जितना भी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जितनी भी हमारी यूथ पॉपुलेशन है, ये प्रॉब्लमेटिक होगी हमारे लिए ही। क्योंकि अगर हम भूख नहीं कंट्रोल कर पा रहे, भूख नहीं, लोगों को खाना नहीं पहुंचा रहे, तो आगे की स्कीम्स कहां तक हमारी स्कीम्स चलेंगी। तो ये इस चीज को गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और एग्जीक्यूट करने के लिए भी चीजें अच्छे से होनी चाहिए। क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, अरुण जेटली अटेंड्स G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग। सो ये मीटिंग जो हुई है आपकी वॉशिंगटन डीसी में हुई है, जिसमें हमारे इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, अरुण जेटली जी ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और इसके अंदर बात क्या होती है कि किस तरीके से हमारे जितने भी G20 के नेशंस है, वहां से किस तरीके से पॉलिसीज को एग्जीक्यूट किया जाए, और ताकि हमारे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है आपकी शांति बनी रहे। टेररिज्म के ऊपर बात करी जाए कि टेररिज्म को हटाया कैसे जाए, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को एक साथ जुट रखा जाए। क्लियर। सो यही चीज बात हो रही है। तो देखिए यहां पे क्या है, द मेन फोकस ऑन एजेंडा आइटम्स पर्टेनिंग टू द ग्लोबल इकोनॉमी एंड फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ कॉम्पैक्ट विद अफ्रीका एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। वही बात हो रही है ग्लोबल ग्रोथ के लिए। ग्लोबल ग्रोथ कब होगी, जब क्राइम कम होगा, टेररिज्म कम होगा। क्लियर। सो ये क्या है, द अवेलेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी स्पेस, की चैलेंज एंड रिकमेंडेड एक्शन में ऑल्सो बी शेयर। सीधी सी बात है, किस तरीके से पॉलिसीज आएंगी, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, वो उन चीजों के ऊपर बात करी जा रही है। क्लियर। सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, यूनियन गवर्नमेंट लॉन्चेस संपूर्ण बीमा ग्रामीण योजना एक्सपेंशन ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जो ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने, न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुई है, और इसमें क्या बात करी गई है कि अगर एक विलेज में 100 गांव हैं, वहां पे ये चीज एग्जीक्यूट होगी। और इस एग्जीक्यूशन में हमारे किन लोगों को फायदा होने वाला है, इट इज अवेलेबल एट द प्रोफेशनल सच एज द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एंड बैंकर्स। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, ये गांव गांव तक पहुंचेगी। क्लियर। सो नेक्स्ट साइड है हमारा, INS सतपुरा कदमत पार्टिसिपेट इन द पैसेज एक्सरसाइज इन जापान। जापान में सेसिबो, जापान में सेसिबो इज अ प्लेस जहां पे हमारी ये एक्सरसाइज हुई है, जिसके अंदर हमारी INC इंडियन नेवल शिप दो पार्टिसिपेट किए हैं, द वन इज द सतपुरा एंड वन इज द कदमत। क्लियर। सो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया हुआ है, इससे पहले जो हमारी बहुत सारी जो हमारी पार्टिसिपेट करती रहती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है। ये प्रोग्राम क्यों चलता रहता है, ताकि हम अपने रिलेशंस को अच्छा बना सकें, और साथ के साथ जितनी भी आप पॉलिसीज एग्जीक्यूट करोगे, कहने का मतलब ये है, जब हमारी कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाती है, किसी ना किसी वॉर हो जाती है, UN में हम फोर्सेज भेजते हैं, और किस तरीके से वो वहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये कॉपरेशन बढ़ाने के लिए होता है कि किस तरीके से मिलिट्री जो है आपस में मिलजुल के काम करेगी और अपने अपने देश की रक्षा करेगी, इस चीज के ऊपर बात होती है। और देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसीज के डेमोंस्ट्रेशन ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू द पीस एंड स्टेबिलिटी। वही बात हो रही है यहां पे, पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बात हो रही है, स्ट्रेंथनिंग लॉन्ग स्टैंडिंग म्यूचुअल सपोर्टिव एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन जापान एंड इंडिया। सो यही है, रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए बात हो रही है। तो अगेन जो आपकी एक्सरसाइज का नाम है, डेट इज पैसेज, आपको पता होना चाहिए, पेसेक्स PASSEX पेसेज। क्लियर। सो नेक्स्ट इज द यूनियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सेंडिंग मनी टू ग्राम पंचायत डायरेक्टली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, जो जिसमें हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो हमारे राजवर्धन राठौर जी हैं, तो उन्होंने ये चीज बोली है कि हर एक गांव में पैसा पहुंचेगा और सीधा का सीधा उसके घर में पैसा आएगा। कहने का मतलब, जितनी भी आपकी पॉलिसीज चलती हैं, जितनी भी हमारी कोई भी जैसे सपोज DBT डायरेक्ट ट्रांसफर, अदरवाइज जितनी भी LPG सब्सिडीज के लिए बात होती है, सीधे का सीधा उसके खाते में जाएगा और पंचायत में जाएगा और घर घर तक ये पैसा पहुंचेगा। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अकाउंट्स, जनधन योजना अकाउंट्स खुल चुके थे, और लेकिन जो है पॉलिसीज अभी भी जो है कहीं ना कहीं लैक हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक जो है 100 चला गया है, 97 था लास्ट ईयर,
क्लियर। उससे उसके बाद हमारी ग्रोथ भी हुई है, अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था और जीएसटी अप्लाई कर दिया, जिसके कारण लोगों ने काम भी बंद किए हैं, काम रोके भी थे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। तो उसके ऊपर ही बात है, कहने का मतलब क्या है कि हम गवर्नमेंट जो है हर एक तरीके से अच्छा काम करना चाहती है। अब जो पैसा पहुंचाना है किसी को भी, लाइक जैसे अभी हमने संपूर्ण बीमा योजना बात करी थी, वो भी गांव तक पैसा पहुंचेगा, और यहां पे भी यूनियन गवर्नमेंट ने दोबारा से यही बात करी है कि जो पैसा है आपका अगेन गांव तक पहुंचेगा, डायरेक्टली पंचायत को पहुंचेगा। क्लियर। सो साथ के साथ ये भी बात उन्होंने बोली है कि अगर कोई पर्सन जो है मुद्रा योजना के अकॉर्डिंग जो पैसा नहीं दे पाता किसी पर्सन को, तो उसको भी हमें रीजन बताना पड़ेगा कि आप मुद्रा योजना के अकॉर्डिंग पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। सो आपको मुद्रा योजना दोबारा इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं हम करंट अफेयर में। मुद्रा इज अ माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी विच इज रेगुलेटेड बाय द सिडबी एंड ऑथराइज कैपिटल इज 20,000 करोड़ एंड द पेड अप कैपिटल इज द 3,000 करोड़। सो ये चीज हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप याद कर सकते हो दोबारा से। ओके मुद्रा योजना। ओके सो नेक्स्ट स्लाइड इज द वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व ऑन द 16 अक्टूबर। सो इसका थीम आप लोगों ने पढ़ लेना है, चेंज द फ्यूचर ऑफ द माइग्रेशन, चेंज द फ्यूचर ऑफ माइग्रेशन, इन्वेस्ट इन द फूड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, अगर हमारे रूरल डेवलपमेंट है, जैसे हमारे इंडिया में रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस कौन करता है, डेट इज नाबार्ड। अगर नाबार्ड गांव गांव तक पैसा पहुंचा रहा है, RRBs को पैसा दे रहा है, कोऑपरेटिव बैंक्स को पैसा दे रहा है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को पैसा दे रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसा दे रहा है, तो कहने का मतलब है हमारी इंडिया जो है सारे की सारी चीजों में सक्षम हो जाएगी, अच्छा काम करेगी, और हमारा जो रैंक, अभी अगेन बात वही चीज आ रही है कि जो हमारा हंगर इंडेक्स जो है हमारा 97 से 100 हो चुका है, उस चीज से हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हमारा पैसा पहुंचेगा। क्लियर। सो जो ये आपने याद कर लेना है ये चीज, वर्ल्ड फूड डे जो ओके सो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सा एनालिसिस करते हैं हम। सो फ्रेंड्स ये मैं आपको बता देता हूं, मैं करता हूं आज से हमारा जो डे है ट्यूसडे है, तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन का न्यूज़पेपर का इसमें एनालिसिस है। क्लियर। और उसके बाद हम सैटरडे को फिर मिलते हैं जिसमें हम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे का एनालिसिस करते हैं। तो हमारे हफ्ते में 2 दिन हैं ट्यूसडे एंड सैटरडे, सो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और अदरवाइज मैंने आपको बहुत पहले भी बात बता दी थी कि हम 2 दिन मिलेंगे ट्यूसडे एंड सैटरडे 8 बजे से 9 बजे के बीच में। क्लियर। सो ओके नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड डे, हमने बात कर ली है। सो आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? सो दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू पीपल, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? सो फ्रेंड्स आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो इसमें लिखा हुआ है, जैसे हमने 1945 में बनी है और 150 कंट्रीज अक्रॉस ये जो है हम मनाते हैं, सो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का। जीरो हंगर प्रोग्राम के लिए हमने वर्ल्ड फूड डे मनाया है, तो इसमें सारा कुछ गिवन है, मेरा लिखा हुआ है, तो आप बाद में पढ़ लेना। एंड एक चीज बताइए मुझे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? FAO। सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, फ्रेंड्स आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके इशू का आंसर आ चुका है, रोम। यस यू आर राइट, रोम इटली इज द आंसर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड इज, सिंगर TM कृष्णा विंस इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन। सो जो कार्नेटिक म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, सो नाम ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सिंगर TM कृष्णा है ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्लासिकल म्यूजिक के साथ। क्लियर। और इसके अंदर 10 लाख का जो है इनका कैश प्राइज होता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक के लिए इन्होंने जो है ये इंदिरा गांधी इंटीग्रेशन प्राइज मिला है आपको। क्लियर। सो नेक्स्ट इज द इंडियन एयरपोर्ट नीड $45 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव कैपेसिटी बाय 2030। क्लियर। सीधी सी बात है, हमारे लोग जो है, देखो हमारे कंट्री में टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, तो इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जाके हमारी जो कंट्री आगे डेवलप कर सकेगी, और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इनको जो है इतने पैसे लगाने जरूरी है ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो,
ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस मिले। अगर सर्विस मिलेगी सीधी सी बात है, और साथ के साथ जो भी हमारा, क्योंकि आपको पता है कि लोग जो आजकल जो है हमारा नॉर्मल पीपल भी जो है आजकल हमारा जो एयरपोर्ट से एयर मतलब जो हम कह सकते हैं कि एयर से ट्रेवल कर रहा है, जो हमारे जहाज में जा रहा है वो क्लियर, और बाहर से भी हमारे इंडिया में टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एयरपोर्ट अच्छे हैं, तो सीधी सी बात है जगह जगह पर अगर हमारी कनेक्टिविटी है तो हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। जैसे इन्होंने बात करी है द 10 एयर एयरपोर्ट्स, नेमली पुणे, जयपुर, श्रीनगर, लखनऊ, ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे टूरिस्ट पीपल मैक्सिमम लोग आते हैं। अगर हमारे 45 बिलियन डॉलर इन्होंने बात करी है अभी कि इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके हमारी जो है कंट्री आगे बढ़ पाएगी, क्लियर। सो नेक्स्ट इज द रोजर फेडरर क्रूजेस टू शंघाई मास्टर्स टाइटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे एक्चुअली दीज आर द ये मैच बड़ा अच्छा था, और साथ के साथ ये दोनों फ्रेंड्स हैं। रॉजर फेडर ने किसको हराया था, राफेल नेडल को। सो आपको पता होना चाहिए जो रॉजर फेडर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, और जो राफेल नेडल हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ही इज अ स्पेनिश प्लेयर, क्लियर। दोनों किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके टेनिस से, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। और जो फेडरर है वो 19th ग्रैंड स्लैम विंबलडन टाइटल इन्होंने जीता था, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड इज प्राइम मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बिहार। सीधी सी बात है, अगर अगेन जैसे अभी हमने बात करी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अच्छा करोगे ताकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करोगे तभी हमारी कंट्री में टूरिज्म बढ़ेगा। और जो बिहार में हमारा 3700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये क्यों स्टार्ट किया गया है, नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर, जाने की गंगा की सफाई हो और सीवेज प्लांट को अच्छा करने के लिए, ताकि आपकी वहां पे गंदगी ना फैले, घरों घरों तक जो पानी जा रहा है हमारा वो साथ के साथ उसमें गंद ना जाए और जो लोग हैं हेल्दी रहें, इन चीजों के ऊपर वो बात करते हैं, क्लियर। सो आपको पता होना चाहिए, लाइक जैसे प्रोजेक्ट अंदर द नमामि गंगे प्रोग्राम एंड द 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स एंड मुकोवा इन बिहार, एंड ये थोड़ी बात आइडिया होना चाहिए आपको, बट अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि फाउंडेशन स्टोन कहां पे रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिहार में, क्लियर। सो अगेन आई थिंक ओके, ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज डिफेंस मिनिस्टर टू कमीशन INS Skelton into Indian Navy in Vishakhapatnam. So again this is very very important. Defense Minister कौन है हमारे, निर्मला सीतारमन जी, क्लियर। सो शी इज द फर्स्ट वुमेन, अदरवाइज द फर्स्ट वुमेन परमानेंट द डिफेंस मिनिस्टर, अदरवाइज उससे पहले हमारी जो है हमारी इंदिरा गांधी जी भी हमारी डिफेंस मिनिस्टर रही हैं, लेकिन वो इंटरिम टेम्परेरी रही थी, ये परमानेंट बनी है, क्लियर। सो इन्होंने INS Skelton को इंडियन नेवी में जो है ज्वाइन किया है विशाखापट्टनम में, क्लियर। सो विशाखापट्टनम में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और साथ के साथ ये है सीधी सी बात है, अगर कोई भी नेवी जहाज हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे इंडिया के लिए डेवलपमेंट का सोर्स, डेवलपमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, और अगर हम खुद इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो इट मींस जो हमारी इसरो है, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो अच्छा काम कर रही है जो हमारे इंडिया को आगे लेके जाएगी। सो इन्होंने अभी जो है INS Skelton को इंडियन नेवी विशाखापट्टनम में इंट्रोड्यूस किया है। जैसे थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूँ, इसको कमीशन को लॉन्च करने के लिए अटेंडेड बाय, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमायरल सुनील लांबा, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे नेवी चीफ कौन है, डेट इज सुनील लांबा जी। और उसके बाद जो लेटेस्ट वॉरशिप आफ्टर द शिवालिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, INS Skelton इज द लेटेस्ट इंडिजीनियस वॉरशिप आफ्टर शिवालिक क्लास, क्लियर। और उसके बाद कोलकाता क्लास एंड सिस्टर शिप INS कमरोता एंड INS कर्मठ टू हैव ज्वाइन द इंडियन नेवी आर्सेनल, क्लियर। सो ये चीज आपको पता होना चाहिए, अभी हमने INS Skelton को इंट्रोड्यूस किया है विशाखापट्टनम में, क्लियर। सो फ्रेंड्स यहां पे जो है मैं यहीं पे इसको हमारा स्लाइड खत्म होती है, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मेरे से तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग यू हैप्पी एंड सेफ दिवाली, एंड अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई एम वेटिंग, अगर आपसे कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको क्लोज करूंगा।
ओके अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, आज साउंड की प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है तो हम आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी आपको अपडेट चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सो जैनिज्म फ्रॉम एक्चुअली जो पारसीज हैं, अगेन इशू, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने आपका आंसर पढ़ा था, आपका क्वेश्चन पढ़ा था। पारसीज हमारे जो हैं, अगर आपने याद किया हो, जेंड अवेस्टा बुक थी हमारी, ईरानियन पीपल थे, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं पारसीज पीपल। सो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पर्शियन लोगों के लिए बात करते हैं ये, तो हमारे इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पारसीज हमारा ओरिजिन नहीं है, पारसीज बाहर से आए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। सो अमित राठी, ओके 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 सो ओके आई थिंक इशू आपको आंसर मिल गया होगा, बट अदरवाइज इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन जो है हमारे पॉलिटी की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और अदरवाइज इसके बाद हमारा जो भी इसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ आएगी तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा इशू। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो जो भी आपकी कोई क्वेरीज है आप इसमें बाद में लिख सकते हो, और आपको जो शेड्यूल है आपको मिल जाएगा इसमें। एंड साथ के साथ जो चीज़ है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और साथ के साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको वहां से मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, एंड विशिंग यू हैप्पी एंड सेफ दिवाली। जय हिंद।